जय हिंद दोस्तों, मैं विनय सिंह जाधव हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्रॉनिकल जुलाई 2019 का ये अंक लेकर आज उपस्थित हुए हैं। थोड़ा सा वक्त लग गया, लेट हो गया है, आज 1 जुलाई है। हमें 20 दिन पहले ही इसको अपलोड कर देना चाहिए था, नहीं हो पाया। सबसे पहले देखते हैं आर्थिकी सेगमेंट से। रुपया डॉलर स्वैप ऑक्शन सुविधा का ये दूसरा चरण स्टार्ट किया गया है 23 अप्रैल 2019 को। RBI द्वारा रुपया डॉलर अदला बदली अनुबंधों की प्रणाली के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम में 3 वर्षों के लिए $5 अरब की नकदी उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। देखें, ये जो रुपया डॉलर स्वैप ऑक्शन सुविधा है, ये पहले भी किया जा चुका है RBI के द्वारा, और ये दूसरा चरण इसका स्टार्ट किया गया है। जिस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं और उसके माध्यम से हम बाज़ार में लिक्विडिटी, जो तरलता है, वो उपलब्ध कराते हैं, सेम ये भी इंस्ट्रूमेंट ही है, एक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत हम लिक्विडिटी समायोजन करते हैं। तो उसमें होता था कि उसमें सिक्योरिटीज़ को हम बेचते थे और ख़रीदते थे। इसमें क्या होता है कि डॉलर और रुपये की अदला बदली की जाती है एक निश्चित समय के लिए। तो ये इसका दूसरा चरण स्टार्ट किया गया है, $5 अरब कि नकदी उपलब्ध कराई जाएगी 3 वर्षों के लिए, ये हमारा है। HDFC भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है। एक रिपोर्ट के तहत अप्रैल 2019 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI द्वारा परिसंपत्ति प्रबंधन पर एक रिपोर्ट HDFC AMC को भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी घोषित किया गया है। और अगर बाकियों की बात करें तो दूसरे नंबर पर हमारी SBI एसेट मैनेजमेंट है, दूसरे नंबर पर हमारी ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट है, तीसरे नंबर पर SBI एसेट मैनेजमेंट है, और चौथे नंबर पर आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अमीरात इस्लामिक बैंक ने व्हाट्सएप के माध्यम से चैट बैंकिंग सेवा प्रारंभ की है। अमीरात इस्लामिक बैंक 18 अप्रैल 2019 को अमीरात इस्लामिक बैंक ने व्हाट्सएप के माध्यम से चैट बैंकिंग सेवा शुरू की है, और ऐसा करने वाला पूरे वर्ल्ड का ये पहला बैंक बन गया है, अमीरात इस्लामिक बैंक। अमीरात इस्लामिक बैंक विश्व का पहला इस्लामिक बैंक है जिसने व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। अमीरात इस्लामिक बैंक UAE का पहला बैंक है जिसने मोबाइल बैंकिंग और वॉलेट सेवा उपलब्ध कराई थी। तो ये हमारा काफ़ी अच्छा फैक्ट है। अगला हमारा जो है, कोटक महिंद्रा बैंक KMB द्वारा UPI भुगतान पर शुल्क लेगा। UPI जो होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके माध्यम से अभी तक क्या होता था कि शुल्क नहीं लिया जाता था, और KMB कोटक महिंद्रा बैंक पहला बैंक होगा जो इस पर शुल्क लगाएगा। इसके माध्यम से कभी भी ट्रांजैक्शन होगा तो वो शुल्क लेगा। 30 ट्रांजैक्शन UPI के थ्रू जो होते हैं वो शुल्क मुक्त रखे जाएंगे। उसके ऊपर अगर कोई ट्रांजैक्शन किया जाता है तो उस पर KMB शुल्क लगाएगा, एक चार्ज लेगा। संवादी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कंपनी हैप्टिक का रिलायंस जियो डिजिटल सर्विस द्वारा अधिग्रहण किया गया है। तो हैप्टिक क्या है? हैप्टिक एक संवादी, मतलब कम्युनिकेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित कंपनी है जिसका रिलायंस जियो डिजिटल सर्विस द्वारा अधिग्रहण किया गया है। तो अगला है हमारा, बैंकिंग लोकपाल पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है RBI के द्वारा, और इसमें बताया गया है कि 24 अप्रैल 2019 को RBI द्वारा बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के तहत वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक बैंकिंग लोकपाल रिपोर्ट जारी की गई है। और इसके अंतर्गत बैंकिंग लोकपाल को संप्रेषित शिकायतों, जो शिकायतें भेजी गई हैं और उनके द्वारा किए गए वाद निस्तारण, जो उनको रिजॉल्व किया गया है, उनके आंकड़े जारी किए गए हैं। मतलब जो शिकायतें भेजी गई हैं बैंकिंग लोकपाल को, उसका डेटा और जो उसका निस्तारण किया गया है, रिसॉल्व की गई हैं जो प्रॉब्लम्स, उनका डेटा इसने जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 25% शिकायतों में बढ़ोतरी हुई है। मतलब ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं बैंकिंग सेक्टर में लोकपाल को।
और बताया गया है कि जो सार्वजनिक बैंक है हमारा SBI, उसमें सबसे ज़्यादा उसके रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं लोकपाल को। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो हमारा है HDFC बैंक, जिसके खिलाफ सबसे ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वर्ल्ड बैंक इन साउथ एशिया रिपोर्ट जारी की गई है, और इसका उद्देश्य है कि दक्षिण एशिया विश्व में सबसे तेज़ी से इसने बताया अपनी रिपोर्ट में कि दक्षिण एशिया विश्व में सबसे तेज़ी से विकास करने वाला क्षेत्र है। तो 5 अप्रैल 2019 को विश्व बैंक ने जारी की थी ये रिपोर्ट, और इसमें ये डेटा निकल के आया है। और इसमें बताया गया है कि 2019 के लिए 7% और 2020 और 21 के लिए 7.1% इसकी विकास दर अनुमानित की गई है दक्षिण एशिया की। गेहूं पर आयात शुल्क में वृद्धि की गई है, और गेहूं पर आयात शुल्क पहले था 30% और इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 40%। इसका कारण यह है कि स्थानीय गेहूं उत्पादकों को समर्थन देना। होता ये था कि रशिया से सबसे ज़्यादा गेहूं आयात किया जाता था और रशिया सस्ते दाम पर गेहूं हमें देता था, तो जो हमारे यहाँ के गेहूं उत्पादक हैं उनको थोड़ा सा घाटा होता था, तो उनको एक तरीके का समर्थन देने के लिए सरकार ने ये नीति लागू की है और गेहूं का जो आयात शुल्क है उसको बढ़ा दिया है, आयात घटाने के लिए ऐसा किया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सूखे की वजह से पशु चारे की मांग में वृद्धि हुई है, इसका भी एक कारण रहा है। और केंद्र सरकार द्वारा गेहूं पर आयात शुल्क 30 से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इस शुल्क का सबसे ज़्यादा प्रभाव रूस से सस्ते गेहूं आयात पर पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बचत खातों तथा अल्पावधि ऋण की ब्याज दरों को RBI की रेपो रेट से जोड़ा गया है। ऐसा करने वाला SBI पहला बैंक बन गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए जानकारी है। 1 मई 2019 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपने बचत खातों, जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं और जो कम टाइम के जो शॉर्ट टर्म के जो ऋण दरें होती हैं उनको RBI के रेपो रेट से जोड़ दिया गया है। मतलब रेपो रेट कम होगा तब इस पर प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा होगा तब भी इस पर प्रभाव पड़ेगा, तो दोनों तरफ से इसको जोड़ दिया गया है। ब्याज दरों को MCLR से हटाकर एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ना इसका उद्देश्य है। ब्याज दरों को, जो SBI की ब्याज दरें हैं, इसको MCLR से हटाकर एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इससे क्या होगा। रेपो रेट से जोड़ने के बाद ब्याज दरों में बदलाव रेपो रेट में बदलाव के साथ ही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। SBI भारत का पहला बैंक है जिसने अपनी ब्याज दरों को एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ा है। SBI ने 1,00,000 से अधिक के जमा के बचत खातों को इस प्रणाली के अंतर्गत रखा है, मतलब केवल वही बचत खाते इसके अंतर्गत आएंगे जो 1,00,000 से अधिक होंगे, उससे कम वाले नहीं होंगे। ब्याज दरों को SBI द्वारा रेपो रेट से 2.75, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, कितना रखा है रेपो रेट से, ब्याज दरों को SBI द्वारा रेपो रेट से 2.75% या 275 बेस पॉइंट कम रखा गया है। SBI ने 1,00,000 से कम बचत खातों और सावधिक जमा खातों पर अपनी पूर्व की ब्याज दर निर्धारण पद्धति को लागू रखा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट था हमारे लिए। RBI द्वारा NBFCs को बैंकिंग लोकपाल के दायरे में लाने की घोषणा की गई है। NBFCs को इसके अंतर्गत लाया गया है, बैंकिंग लोकपाल के अंतर्गत लाया गया है NBFCs को। 26 अप्रैल 2019 को RBI द्वारा NBFCs को बैंकिंग लोकपाल के दायरे में लाने की RBI के द्वारा घोषणा की है, और इसका उद्देश्य इतना ही है कि NBFC को की का जो कार्यप्रणाली है उसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाना। ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो दिक्कत आ जाएगी। बैंकिंग सेक्टर वैसे भी जूझ रहा है तमाम सारी अनियमितताओं से जूझ रहा है, इस वजह से ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़रूरी है।
एक आंकड़ा पेश किया गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते को लेकर, और इसमें बताया गया है कि 21 अप्रैल 2019 को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों के आंकड़े जारी किए गए हैं। और इन आंकड़ों के अनुसार जनधन खातों की कुल संख्या बढ़कर हो गई है 35.39 करोड़, मतलब 35 करोड़ से भी ज़्यादा खाते जनधन के खुल गए हैं भारत में, तो एक बड़ी कामयाबी है। राष्ट्रीय आवास बैंक और नाबार्ड NHB तथा नाबार्ड अब सरकार के पूर्ण स्वामित्व में हो गए हैं। 24 अप्रैल 2019 को RBI द्वारा नेशनल हाउसिंग बैंक NHB और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड में अपनी संपूर्ण हिस्सेदारी केंद्र सरकार को विक्रय की जानकारी प्रदान की गई। देखो अभी तक क्या था कि नाबार्ड और NHB में RBI की हिस्सेदारी थी, लेकिन RBI ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी है केंद्र सरकार को, और ये दोनों बैंक अब केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व में आ गए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE द्वारा नेटवर्क इंटेलिजेंस के साथ समझौता किया गया है और इसका उद्देश्य है कि SEBI द्वारा निर्धारित साइबर सुरक्षा मानदंडों को उच्च बनाना। नेटवर्क इंटेलिजेंस BSE की साइबर सुरक्षा के लिए ब्लू स्कोप प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा। देखें जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है 1875 में स्थापना हुई थी, एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है, और इसने साइबर सुरक्षा के मानदंडों को जो SEBI की गाइडलाइन है उसके अनुसार रखने के लिए नेटवर्क इंटेलिजेंस के साथ समझौता किया है, और ताकि साइबर सुरक्षा को मजबूत कर सके। नेटवर्क इंटेलिजेंस इस मामले में ब्लू स्कोप प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगी। नेटवर्क इंटेलिजेंस अपनी सभी गतिविधियां मुंबई स्थित नेक्स्ट जनरेशन साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर CSOC से संचालित करेगा। नेक्स्ट हमारा है भारत का क्रूड ऑयल आयात। भारत का जो क्रूड ऑयल आयात है इस पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स द्वारा क्रूड ऑयल आयात पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, और इसमें बताया गया है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत के लिए वर्ष 2018-19 में लगातार दूसरे वर्ष इराक शीर्ष कच्चा तेल निर्यातक देश रहा है। वर्ष 2018-19 में सऊदी अरब दूसरे स्थान पर रहा है, जिसने इराक के बाद सबसे ज़्यादा कच्चा तेल भारत को निर्यात किया है। देखो ये डेटा भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा भारत को वर्तमान में जो तेल निर्यात किया जाता है जिस कंट्री से, वो है इराक, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सऊदी अरब, तीसरे नंबर पर आता है हमारा ईरान, चौथे पे सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात UAE, और पांचवे पे वेनेजुएला आता है। वेनेजुएला की हालत बहुत ख़राब हुई है। ईरान और वेनेजुएला के मामले में अभी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, क्योंकि दोनों में अमेरिका का इंटरफेयर है, और इसकी वजह से भारत को काफ़ी दिक्कत हुई है तेल आयात में। बाई यूक्वाइन भारत का पहला थोक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एक्सचेंज बन गया है। 24 अप्रैल 2019 को भारत के दूसरे सबसे पुराने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाई यूक्वाइन द्वारा थोक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग हेतु एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, और यह थोक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए भारत का पहला ट्रेडिंग एक्सचेंज है। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज BTCX इंडिया है। नीदरलैंड और भारत के संबंध में जो FDI निवेश है उससे संबंधित डेटा जारी किया गया है, और बताया गया है कि नीदरलैंड और इंडिया दोनों में निवेश एक दूसरे के प्रति बढ़ा है। 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार नीदरलैंड भारत में तीसरा सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक राष्ट्र बन गया चुका है। दूसरी तरफ भारत से जाने वाले विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य नीदरलैंड बन गया है। यानी कि यह है कि अगर भारत में FDI
देखें कहाँ से आती है, तो पहला हमारा हो जाता है मॉरिशस, दूसरा सिंगापुर और तीसरा नीदरलैंड है। और भारत से जो FDI जाता है दूसरे देशों को, उस मामले में देखें तो सिंगापुर नंबर एक पे है और दूसरा हमारा गंतव्य स्थान है वो है नीदरलैंड। और दोनों देशों के मध्य एक दूसरे में निवेश बढ़ा है, ये डेटा जारी किया गया। राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव हुए हैं 2019 के, 90 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया है इसमें, 542 सीटों पर मतदान हुए थे। वेल्लोर की सीट कैंसिल कर दी गई थी, वहाँ चुनाव नहीं हुए थे, वरना 543 का चुनाव होता है। 7 चरणों में चुनाव हुए थे। CR पाटिल ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते हैं और ये इनका लोकसभा क्षेत्र पड़ता है नवासारी ज़िला गुजरात में। नवासारी ज़िला गुजरात को ऐसे भी याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दांडी मार्च हुआ था, दांडी यहीं पर पड़ता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दांडी जो स्थान है वो किस ज़िले में पड़ता है गुजरात के। 2011 की जनगणना में मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा डेटा एकत्रीकरण के लिए। और वर्तमान में जो हमारे जनगणना आयुक्त हैं, जनगणना आयुक्त उनका नाम है विवेक जोशी, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी साहब नाम है। और इसमें 2 चरणों में जनगणना की जाएगी। निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक EVM मशीनों का उपयोग किया गया है, 27,000 EVM मशीनों का उपयोग किया गया है। वेल्लोर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव स्थगन कर दिया गया था क्योंकि यहां पर धनबल के प्रयोग की शिकायतें आ रही थी, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी, इस वजह से इसका चुनाव स्थगन कर दिया गया था। नीति आयोग व यूनिसेफ के मध्य एक समझौता हुआ है अटल इनोवेशन मिशन को लेकर, AIMM को लेकर हुआ है समझौता। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 IAS के प्रीलिम्स में पूछा गया था और ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया गया था कि अटल इनोवेशन मिशन जो है भारत सरकार का, ये किस संस्था के अंतर्गत या किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। सीधा सीधा इसका आंसर था नीति आयोग के अंतर्गत। तो नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया के मध्य एक समझौता हुआ है और इसके तहत यूनिसेफ इंडिया भारत के 100 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब ATL की स्थापना करेगी। ATL जो हैं, अटल टिंकरिंग लैब जो होती हैं, एक लैब होती हैं स्कूलों में जहाँ पर बच्चे टेक्निक और इनोवेशन से जुड़े हुए तमाम कार्य करते हैं लैब में। भारत फाइबर सेवा BSNL द्वारा कश्मीर के पुलवामा में पहली ऑप्टिकल फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड सेवा की शुरुआत की गई है। यह अपनी तरह की पहली फाइबर टू द होम FTTS सेवा है। यह केंद्रीय बिंदु से सीधे, जो FTTH होती है, यह केंद्रीय बिंदु से सीधे इमारत यानी कि आवास या अपार्टमेंट और व्यापारिक प्रतिष्ठानों आदि को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ता है, जिसके कारण यह उच्च गति की इंटरनेट सेवा लगभग 256 KBPS से 1000 MBPS प्रदान करता है। तो ये अपनी तरह की पहली सेवा है जो कश्मीर के पुलवामा में शुरू की गई है। केंद्र द्वारा सूखे पर एडवाइजरी जारी की गई है, 6 राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जब तक सूखे से निजात नहीं पा ली जाती है तब तक राज्य जो जिन राज्यों को जारी की गई है वो जो संचित जल है उसका उपयोग केवल पीने के लिए करेंगे, फसलों के लिए और अन्य कार्यों के लिए नहीं करेंगे। तो ये जारी करता है केंद्रीय जल आयोग CWC द्वारा यह सलाह जारी की गई है। CWC 91 बड़े बांधों में संचित जल की मॉनिटरिंग करता है। इन्हीं जलाशयों में जब वर्तमान जल भंडारण पिछले 10 वर्षों के औसत से 20% कम हो जाता है तो CWC सूखा सलाह जारी करता है। तो ये राज्य कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। ये हमारे राज्य महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और तेलंगाना है, यानी कि गुजरात महाराष्ट्र ये पश्चिम के प्रदेश हो गए और बाकी हमारे दक्षिण भारत के। राजीव गांधी एयरपोर्ट को एयर हेल्प द्वारा रैंकिंग में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। एयर हेल्प ने एक रैंकिंग जारी की गई है, इसमें हमारे राजीव गांधी जो एयरपोर्ट है उसको 8वीं रैंकिंग मिली है
ठीक है। इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान कतर के दोहा में स्थित हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। इस रिपोर्ट में सबसे ख़राब एयरपोर्ट का दर्जा लिस्बन एयरपोर्ट यानी कि पुर्तगाल का जो एयरपोर्ट है लिस्बन उसको प्रदान किया गया है। इन्फोसिस फाउंडेशन जो एक एनजीओ है, इन्फोसिस एक एनजीओ भी है, इन्फोसिस फाउंडेशन का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है एफसीआरए अधिनियम के तहत विदेशी चंदा का विवरण नहीं दिए जाने के कारण। इन्फोसिस फाउंडेशन की स्थापना 1996 में की गई थी। इन्फोसिस का पंजीकरण एफसीआरए अधिनियम के तहत विदेशी चंदे का विवरण नहीं दिए जाने के कारण रद्द कर दिया गया है। तो ये रहा हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम की द्वितीय बैठक हुई थी बीजिंग में, और भारत जैसा कि पहले भी जानते हैं कि भारत इसमें शामिल नहीं है, ना ही इसके किसी बैठक में भाग लेता है। कुल 37 देशों ने प्रतिभाग किया था। इटली G7 देशों में शामिल होने वाला पहला देश था, इटली शामिल हुआ था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है। चीन पाक अंतरिक्ष खोज समझौता हुआ है, चीन और पाक अंतरिक्ष खोज समझौता हुआ है। 27 अप्रैल 2019 को बीजिंग में आयोजित BRI की दूसरी बैठक के दौरान, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दौरान, चीन और पाकिस्तान के मध्य अंतरिक्ष सहयोग पर समझौता किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्ताव संख्या 1267 पारित किया गया। ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रस्ताव के द्वारा मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार ये प्रस्ताव गिर गया था चाइना के रुख के कारण, दोबारा ये पारित हो गया 1 मई 2019 को। UNSC में ये प्रस्ताव लाया गया था जिसको पारित कर दिया गया है, और अब मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट रिकॉग्नाइज किया गया है। श्रीलंका में बुरके पर प्रतिबंध लग गया है। अभी ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, श्रीलंका में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वहाँ बदलाव आया और कई सारे प्रतिबंध लगाए गए, उसी में एक ये प्रतिबंध है, बुरके पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और उसकी देखा देखी भारत में भी तमाम लोगों ने ये डिमांड रखी कि भारत में भी बुरके पर प्रतिबंध होना चाहिए। अमेरिका तालिबान वार्ता का 6वां दौर दोहा कतर में हुआ, ये फैक्ट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो आप दोहा है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ था, तो वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। तो दोहा जो कतर की राजधानी है वहाँ पर अमेरिका तालिबान की वार्ता का 6वां दौर आयोजित किया गया। अमेरिका की प्राथमिक निगरानी सूची में 11 देश शामिल, जिसमें भारत और चीन भी हैं। अमेरिका की जो प्राथमिक निगरानी सूची है उसमें टोटल 11 देश शामिल किए गए हैं, और इसमें भारत और चीन भी है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन को रोकना इसका कारण है। रिपोर्ट के अनुसार भारत बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन के मामले में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तो सूची में डाल दिया है। अरब लीग द्वारा फलस्तीन को $100 मिलियन प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी, ऐसी घोषणा की है अरब लीग ने। $100 मिलियन प्रतिमाह फिलिस्तीन को। सऊदी अरब द्वारा भारतीय हज कोटा में वृद्धि की गई, ये भी बड़ा फैक्ट है। अभी सऊदी अरब के प्रिंस आए थे, जब हमारे यहाँ पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद जो एयर स्ट्राइक की गई भारत के द्वारा, उसी के बाद का घटनाक्रम है कि जो क्राउन प्रिंस हैं वहाँ के, वो पहले पाकिस्तान गए उसके बाद इंडिया आए थे, और उसी दौरान इन्होंने ये बढ़ाई थी, 25,000 कोटा बढ़ाया था। पहले था 1.75 लाख था, उसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं यूक्रेन के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। खास बात क्या है कि जेलेंस्की ने सर्वेंट ऑफ द पीपल में एक शिक्षक की भूमिका निभाई है, जो आगे राष्ट्रपति बनता है। तो ये एक कलाकार थे जो राष्ट्रपति बन गए हैं हकीकत में। एशियाई चाय गठबंधन हुआ है, एशियाई चाय गठबंधन 19 अप्रैल 2019 को गुइझाओ चीन में एशियाई चाय गठबंधन का शुभारंभ 5 चाय उत्पादक और उपभोक्ता देशों द्वारा किया गया।
इसका उद्देश्य है कि चाय व्यापार में वृद्धि करना, तकनीकी हस्तांतरण के साथ साथ चाय को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। भाई चाय को हम बढ़ावा देंगे, तो इसलिए एक चाय गठबंधन बनाया गया है। चाय के उत्पादक भी शामिल हैं, चाय के उपभोक्ता भी इसमें शामिल हैं, और ये चीन के शहर गुइझाओ में हुआ है। गुइझाओ वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उस पर एक रिपोर्ट जारी की गई है 2019 की। ये सिप्री की एक रिपोर्ट है। सिप्री आप जानते होंगे, सिप्री एक संस्था है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्वीडन की है। और उसने बताया है कि वैश्विक स्तर पर सैन्य व्यय 2017 से 2.6% बढ़कर 2018 में $1,822 बिलियन हो गया है। तो ये बड़ा है। और अगर सैन्य व्यय के मामले में देखें तो अमेरिका नंबर एक पर है, चीन दो पर है, तीन पे सऊदी अरब है, चौथे पे भारत है। ये तीसरा लिख गया, चौथे पे भारत है, चौथे नंबर पर। सैन्य व्यय के मामले में देखें, अगर मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पर सऊदी अरब और चौथे पर इंडिया है। आर्कटिक परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है रोवनियमी में। रोवनियमी एक शहर है फिनलैंड का, जहाँ पर आर्कटिक परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। G7 की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है मेट्स, जो पड़ता है फ्रांस में। G7 के पर्यावरण मंत्री, जो पर्यावरण मंत्री हैं, उनकी बैठक हुई है मेट्स में। मेट्स पड़ता है आपका फ्रांस में। अफ्रीका पर भारत, UAE तथा भारत जापान भागीदारी समझौता हुआ। अफ्रीकी देश में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर भारत और जापान और UAE के बीच में समझौता हुआ है। पहला जो समझौता है कैंसर अस्पताल बनाने को लेकर हुआ है। केन्या में बनेगा ये कैंसर अस्पताल, जिसको भारत और जापान मिलकर बनाएगा। दूसरा समझौता जो है वो सूचना संचार तकनीकी केंद्र जो बनेगा इथियोपिया में, उसको भारत और यूएई बनाएगा। ब्रिटेन में जलवायु आपातकाल बिल पारित हुआ है, और 2050 तक कार्बन उत्सर्जन में 80% तक कमी लाना इस बिल का उद्देश्य है। कार्बन उत्सर्जन में 2050 तक कमी लाना है इसका। ऐसा करने वाला प्रथम देश बन गया है। इसके बाद आयरलैंड ने भी इसी तरीके का प्रस्ताव पारित किया। तो ब्रिटेन पहला देश बन गया है जिसने जलवायु आपातकाल बिल पारित किया है, और इसका उद्देश्य है कि 2025 तक हम इतना कार्बन उत्सर्जन कम कर देंगे, ये 80% कम करने का लक्ष्य रखा है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB के लिए भारत के जगजीत सिंह पवाड़िया निर्वाचित हुए हैं इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। 7 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोशॉक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड INCB के लिए भारत की जगजीत पवाड़िया को पुनः निर्वाचित किया गया है। IMF द्वारा पाकिस्तान को $6 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया गया है IMF द्वारा पाकिस्तान को। पाकिस्तान की आर्थिक माली हालत बहुत ही खस्ताहाल है, जिसको दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। और ये $6 बिलियन का जो ऋण दिया जाएगा ये 39 माह के लिए दिया जाएगा। SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। वहाँ पे SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक आयोजित की गई है बिश्केक में। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन यानी कि CTBTO द्वारा भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। UNSC द्वारा ISIS खुरासान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ISIS खुरासान पर प्रतिबंध अलकायदा और ISIL प्रतिबंध संकल्प 1267 के अंतर्गत लाया गया है। विज्ञान पर्यावरण से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। प्रथम नेपाली उपग्रह नेपाली सेट
नेपाली जेड वन अमेरिका के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया है और ये एक बहुत ही छोटा उपग्रह है जिसका वजन है 1.3 केजी। ये एक संचार तथा भौगोलिक डाटा संचयन का उपग्रह है और जिसको नेपाल ने बनाया था, कनाडा के सहयोग से बनाया था, सॉरी इसको बनाया था जापान के सहयोग से इसको तैयार किया था नेपाल ने और प्रक्षेपित किया है अमेरिका के सहयोग से। एस्ट्रॉयड वालोपिंग मिशन नासा द्वारा अप्रैल 2019 में पृथ्वी के लिए खतरा बने क्षुद्र ग्रहों एस्ट्रॉयड को नष्ट करने के लिए मिशन स्पेस एक्स की सहायता से प्रक्षेपित किया गया है। तो पृथ्वी के लिए जो एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह जो खतरा बने हुए हैं उनको नष्ट करने के लिए ये मिशन चालू किया गया है जिसका नाम है एस्ट्रॉयड वालोपिंग मिशन और ये स्पेस एक्स और नासा के सहयोग से चलाया जाएगा। काबुली चने का जेनेटिक अनुक्रमण किया गया है ICRISAT के द्वारा। काबुली चने का संपूर्ण जीन अनुक्रमण BGI सेंजेन के सहयोग से इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी कि ICRISAT द्वारा पूरा किया गया। इस शोध के माध्यम से काबुली चने के गर्मी एवं सूखे के प्रति सहनशील जीन को डिकोड किया गया है। तो काबुली चने का जेनेटिक अनुक्रमण किया गया है। क्यूबसेट ब्लास्ट मिशन 14 अप्रैल 2019 को नासा ने भारतीय मूल के अमेरिकी शोध छात्र केशव राघवन के नेतृत्व में क्यूबसेट मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। ये एक नासा का मिशन है और इस मिशन के जो प्रमुख हैं वो हैं भारतीय शोध छात्र हैं केशव राघवन और इसका उद्देश्य है कि क्यूबसेट के माध्यम से पृथ्वी की कक्षा में ब्रह्मांडीय कॉस्मिक रेज पर शोध करना क्यूबसेट ब्लास्ट मिशन का उद्देश्य है। मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन इंडिया मेरा इंडिया 24 अप्रैल 2019 को इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया यानी कि मेरा इंडिया कार्यक्रम के भागीदारों की प्रथम बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। मेरा इंडिया जो कार्यक्रम है उसका लक्ष्य है मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों और अनुसंधान को तेज करना साथ ही 2030 तक भारत से मलेरिया को पूरी तरीके से समाप्त करना इसका उद्देश्य है। सिंगापुर में प्रथम मंकी पॉक्स के संक्रमण की पुष्टि हुई है सिंगापुर में 464 T90 युद्धक टैंक खरीदने की मंजूरी मिल गई है भारत सरकार को और ये युद्धक टैंक जो हैं 467 टोटल खरीदे जाएंगे ये रूस के द्वारा खरीदे जाएंगे रूस से आपूर्ति होगी इनकी। T90S भीष्म के उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने में विलंब होने के कारण यह भारतीय स्थल सेना के लिए आवश्यक है। T90 टैंक रूस निर्मित आधुनिक तकनीकी से लैस हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था। अगला हमारा जो है बेलगोराड पनडुब्बी जो विश्व की सबसे बड़ी पनडुब्बी है इसका जलावतरण किया गया है 23 अप्रैल 2019 को रूस के द्वारा। विश्व की सबसे बड़ी पनडुब्बी है, इसकी लंबाई 604 फुट है और यह समुद्र में 1700 फीट की गहराई तक जाने में सक्षम है। अपाचे हेलीकॉप्टर बहुत ही फेमस बहुत ही चर्चा में रहे थे अभी जिसको हम AH-64EI भी कहते हैं अमेरिका द्वारा ये प्रदान किए जाएंगे भारत को। पहला हेलीकॉप्टर डिलीवर भी हो चुका है भारत को INS वेला स्कॉर्पियन श्रृंखला की चौथी पनडुब्बी का जलावतरण हुआ है 6 मई को। INS वेला ये स्कॉर्पियंस सीरीज की चौथी पनडुब्बी है सबमरीन है जिसका जलावतरण 6 मई को किया गया है। सार संक्षेप देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जिसका नाम है NCAP के क्रियान्वयन हेतु एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है और इसका उद्देश्य है कि 102 शहरों में कितने शहरों में 102 शहरों में वर्ष 2024 तक PM
पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 तथा पार्टिकुलेट मैटर 10 के प्रदूषण में 20-30% की कमी लाना। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है जो एक निगरानी संस्था होगी और इसका काम होगा कि PM 2.5, PM 10 के प्रदूषण में 20-30% की कमी लाना। बॉबडे समिति, ये जस्टिस बॉबडे हैं, बॉबडे समिति बनाई गई थी जो हमारे वर्तमान में जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब, इन पर एक महिला ने यौन दुराचार का आरोप लगाया था जिसकी जांच के लिए इनसे इनके बाद वही सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट में बॉबडे साहब, उनकी समिति बनाई गई थी जिसने इन पर लगे दुराचार, यौन दुराचार के आरोपों की जांच की। और इसमें बाकी जो सहयोगी थे इनके, उनका नाम था इंदु मल्होत्रा व इंदिरा बनर्जी, दोनों महिलाएं थीं। सुरेश माथुर समिति, ये सूक्ष्म बीमा पर नियामकीय ढांचे की समीक्षा करने के लिए सुरेश माथुर समिति बनाई गई है। नियुक्तियां देख लेते हैं, बोबोउ सिस्से माली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बोबोउ सिस्से माली के नए प्रधानमंत्री हैं। दिया मिर्जा को सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनमें 17 गोल्स हैं हमारे मेन, और 17 के लिए अलग अलग विशेष दूत नियुक्त किए, उनमें से एक हमारी दिया मिर्जा भी हैं। विकास खन्ना, इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल IAC का राजदूत नियुक्त किया गया है। रवि शास्त्री जो भारतीय क्रिकेट के कोच हैं। रास अल खैमा आर्थिक जोन जो है जिसको हम राकेश बोलते हैं, RAKEZ, राकेश दुबई का कॉरपोरेट एम्बेसडर बनाया गया है किसको? रवि शास्त्री को। रविंद्र कुमार पासी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट EPCH का अध्यक्ष बनाया गया है रविंद्र कुमार पासी को। तलवीर सिंह सुहाग जो हमारे पूर्व वायुसेना अध्यक्ष रह चुके हैं, सेशल्स में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है इनको। एम जयश्री व्यास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक बन गई हैं। पुरस्कार सम्मान देख लेते हैं कि बिहारी सम्मान जो दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, मनीषा कुलश्रेष्ठ को उनके उपन्यास, हिंदी उपन्यास है जिसका नाम है स्वप्नपाश के लिए दिया गया है बिहारी सम्मान। सासाकावा पुरस्कार 2019 संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय द्वारा दिया गया है ये प्रमोद कुमार मिश्रा को, ये भारतीय हैं प्रमोद कुमार मिश्रा, इनको दिया गया है सासाकावा पुरस्कार। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सलीम खान हस्बैंड है, उनकी वाइफ हेलन है, और तीसरे जो व्यक्ति हैं मधुर भंडारकर, इनको दिया गया है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार ये केरल के कृषि विश्वविद्यालय को दिया गया है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार। पेटा कॉम्पेसनेट किड अवार्ड 2019 ये पेटा इंडिया के द्वारा दिया गया है डायरेक्सी लाल छहिमा को जो मिज़ोरम की हैं। इनको पेटा कॉम्पेसनेट किड अवार्ड दिया गया है। अमेरिकी सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम कहा जाता है, ये टाइगर वुड्स को दिया गया है जो अमेरिका के ही गोल्फ खिलाड़ी हैं। शेवलियर डिल्ला ऑर्डर, नेशनल डिल्ला लीजेंट ऑनर, ये फ्रांस का सर्वोच्च अवार्ड होता है जो फ्रांस सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये हमारे इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार को दिया गया है। 17वां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया गया है सिरिल अल्मेदा को जो पाकिस्तान के डॉन समाचार पत्र के से जुड़े हुए हैं। चर्चित स्थल देख लेते हैं, ताइवान समलैंगिक विवाह को संसद द्वारा मंजूरी दे दी गई है, ऐसा करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। देखिए एशिया में अभी तक ये नहीं था, बाकी लगभग 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, शायद 21 या 22 कुछ कंट्रीज़ हैं जिसने, जहां पर समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक एशिया के किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया था। ताइवान पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ऐसा किया है। मैक्सिको सिटी क्यों चर्चा में रहा, पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। यहाँ पर हुआ क्या था कि यहाँ के जंगलों में आग लग गई थी,
इसकी वजह से वहाँ प्रदूषण बढ़ गया था और उसके बाद पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। गढ़चिरौली जो पड़ता है महाराष्ट्र में, यहाँ पर एक नक्सली हमले में ड्राइवर सहित 16 जवान मारे गए थे। सिंगापुर देख लेते क्यों फेमस रहा है। संसद द्वारा फेक न्यूज़ पर लगाम लगाने हेतु एक बिल पारित किया गया है। सिंगापुर की संसद ने फेक न्यूज़, अपने यहाँ भी इसका बड़ा रहता है फेक न्यूज़ का मामला, तो वहाँ पर इस तरीके का एक बिल लाया गया है जो फेक न्यूज़ पर लगाम लगाएगा। इस विधेयक के अनुसार ऑनलाइन मीडिया को गलत सूचना को सुधारने या हटाने का अवसर भी दिया जाएगा। बानीज जो पड़ता है गुजरात के सोमनाथ में, बानीज एक स्थान है और यहाँ पर एक पोलिंग बूथ बनाया गया था। केवल एक ही व्यक्ति था मतदान करने के लिए, लेकिन उसके लिए भी एक पोलिंग बूथ बनाया गया था। ये बहुत बड़ी, भारत के लोकतंत्र में बहुत बड़ी अभूतपूर्व घटना थी। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, इसको याद रखिए कि बानेज नाम है, बानेज गुजरात के सोमनाथ में पड़ता है। ओमान का अल डकम व साले बंदरगाह व हवाई अड्डा फेमस रहा है। क्यों फेमस रहा है? क्योंकि इसके उपयोग से संबंधित अमेरिका से समझौता किया गया है, अमेरिका इसका उपयोग कर सकता है। पुस्तकें देख लेते हैं। द गेम चेंजर बहुत ही फेमस रही थी, शाहिद अफरीदी की बायोग्राफी है और इसमें इन्होंने कई सारे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, कई सारी बातें कही हुई हैं कई खिलाड़ियों पर। हमारे आगे गौतम गंभीर का भी नाम इसमें आया था। एवरी वोट काउंट, ये हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त हैं नवीन चावला, मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं नवीन चावला, उनकी बुक है एवरी वोट काउंट पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, ये लिखा है सबा नकवी ने। कमिंग अराउंड द माउंटेन रस्किन बॉन्ड साहब ने लिखा है। दोपहरी इसको लिखा है पंकज कपूर ने। पंकज कपूर का प्रधानमंत्री आपने एपिसोड देखा होगा, बहुत बड़े फिल्मकार थे और उन्होंने ABP न्यूज़ के साथ मिलकर प्रधानमंत्री कार्यक्रम बनाया था, वही पंकज कपूर हैं, इन्होंने दोपहरी बुक लिखा है। विविध देख लेते हैं कुछ। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो एशिया की सबसे लंबी 81 मीटर पानी वहन करने वाली टनल निर्माण किया गया है, ये अपने तरीके की पहली परियोजना है, बहुत बड़ी परियोजना है। यह परियोजना गोदावरी की सहायक प्राणहिता नदी पर मेदीगड्डा तेलंगाना में बैराज बनाकर बनाया गया है। सिम्बैक्स जो भारत और सिंगापुर का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास होता है, इसका आयोजन किया गया दक्षिणी चीन सागर में। वरुण 2019 जो भारत और फ्रांस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास होता है, इसका आयोजन किया गया गोवा में। क्रिकेट से संबंधित यानी खेल से संबंधित खेल कुछ फैक्ट देख लेते हैं। क्रिकेट से 4 टीमों को एक दिवसीय टीम का दर्जा दिया गया। देखिए ये चूँकि हमारे यहाँ क्रिकेट बहुत फेमस रहता है, इस वजह से क्रिकेट पर बना हुआ सवाल बहुत ही अहम हो जाता है हमारे लिए। 4 टीमों को ICC के द्वारा एक दिवसीय टीम का दर्जा दिया गया। ये टीम है ओमान है, अमेरिका है, अमेरिका बहुत ही फेमस हो जाता है नाम, ओमान, अमेरिका, नामीबिया और पापुआ न्यूगिनी। देखो न्यूजीलैंड भी खेलता था, ऑस्ट्रेलिया भी खेलता था, रह जाता था, पापुआ न्यूगिनी पड़ोस में ही पड़ता है, तो पापुआ न्यूगिनी भी अब हो गया है। तो 4 टीमें हैं, याद रखना है आपको नाम। ICC की T20 रैंकिंग जारी की गई है, ऑस्ट्रिया, बोत्सवाना, लक्जमबर्ग व मोजाम्बिक को पहली बार इस रैंकिंग में शामिल किया गया है। प्रथम 5 टीमें जो हैं वो पाकिस्तान नंबर 1 पे है, इंग्लैंड दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे दक्षिण अफ्रीका और चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, पांचवें नंबर पे भारत है। फाइनल मैच इंडियन प्रीमियर लीग का 12वां संस्करण हुआ और मुंबई इंडियंस 4थी बार विजेता बनी है। फाइनल मैच हुआ था हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में, मुंबई इंडियंस व चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुआ था मुकाबला। मुंबई इंडियंस ने हरा दिया था चेन्नई सुपर किंग्स को। ऑरेंज कैप मिली थी डेविड वार्नर को क्योंकि इन्होंने 692 रन लिए थे। इमरान ताहिर को 26 विकेट लेने के लिए पर्पल कैप मिली थी। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन किया गया था जो पहली बार हुआ था लंदन में, और लंदन में आयोजित हुआ था ये। टीम इंडिया साउथ ने यह खिताब जीता था। क्रिक जोन एक मैगजीन है जो महिला क्रिकेट को समर्पित है, भारत की है, इसके प्रकाशक हैं यस लोहाटी। कवर पेज पर इसके कवर पेज पर स्मृति मंधाना को छापा गया है। महेंद्र सिंह धोनी ने IPL में 200 से अधिक छक्के लगाने
वाले पहले भारतीय बन गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में 200 से अधिक छक्के लगाए हैं, ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। आईपीएल में सर्वाधिक छक्के लगाए थे, 326 छक्के लगाए हैं क्रिस गेल ने, 326 छक्के लगाए हैं क्रिस गेल ने, अभी तक का रिकॉर्ड इनका। सुंदरम रवि साहब इनको आईसीसी के ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में जो अभी चल रहा है इसमें अंपायरों के पैनल में चुना गया है। क्लेयर पोलोशैक ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एक दिवसीय मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं। क्लेयर पोलोशैक ऑस्ट्रेलिया की महिला हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एक दिवसीय मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं। राज्य से समाचार देख लेते हैं। उड़ीसा में फेनी तूफान आया था, फेनी फणी पता नहीं कौन कौन से नाम उसके रखे गए थे, तो आपको फेनी याद रखना है। फेनी तूफान आया था, सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था इसने उड़ीसा को, और एक बहुत ही अप्रत्याशित घटना हुई थी कि जगन्नाथ का जो टेम्पल है, इतना पुराना टेम्पल है, उसको फैनी चक्रवात ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, उसके कलश को। चांदवाली तथा गोपालपुर में टकराया था ये तूफान पहली बार। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित खबरें देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्रेफाइट भंडार होने का दावा किया गया है जेएसआई के द्वारा। सिक्किम से खबरें देख लेते हैं। पीएस गोले पवन चामलिंग के बाद, पवन चामलिंग ने बहुत लंबे अरसे तक सत्ता संभाली है वहाँ पर, वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, और वहाँ पर सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं पीएस गोले साहब, और इनकी पार्टी का नाम है एसकेएम। उत्तर प्रदेश से संबंधित खबरें देख लेते। बागपत जिले के शौनली गांव में पुरातात्विक सामग्री मिली है, कई सारे रथ मिले हैं, मुकुट मिले हैं, बहुत सारी सामग्री मिली है शौनली गांव में। छत्तीसगढ़ से संबंधित खबरें देख लेते। दंतेश्वरी लड़ाके ये एक दस्ता बनाया गया है, और ये उन लोगों को लेकर बनाया गया दस्ता है जो पहले नक्सली थे और जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, उनको लेकर ये दस्ता बनाया गया जिसमें सारी महिलाएं शामिल हैं। तो इसके साथ हमारा ये अंक समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये अंक पसंद आएगा, जैसा कि पहले आप पसंद करते रहे हैं। थोड़ी सी लेट लतीफ़ी हो जाती है कुछ कारणों की, बस थोड़ी व्यस्तता रहती है इस वजह से हो जाता है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को देखें, अगर आपको पसंद आते हैं लाइक करें, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें। थैंक यू।